चलो ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें क्या है कि एक पुली है और एक स्ट्रिंग है जो कि मासलेस है, सब कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है। अगर मैं इसका इंस्टेंटेनियस पोजीशन देखूंगा तो ये अपना सपोर्ट है और यहाँ पर एक पुली ऐसे लगी हुई है और एक ब्लॉक वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, ये वाला ब्लॉक वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है ये, और किसी इंस्टेंट ये दूसरा वाला जो ब्लॉक है वो किसी इंस्टेंट हॉरिजेंटल से थीटा डिग्री पर मूव कर रहा, मान लो हॉरिजेंटल से थीटा डिग्री पर मूव कर रहा है ये। तो अगर ये हॉरिजेंटल से थीटा डिग्री पर मोशन कर रहा है जनरेट, तो हम लोगों को निकालना है m1 m2 b1 b2 आर द स्पीड, डिटरमाइन द इन दोनों स्पीड में हमें रिलेशन निकालना है। तो मान लेते हैं इस वाले का स्पीड v1 इधर है m1 का और इसकी स्पीड v2 नीचे है। तो अगर v1 के मैं कंपोनेंट करूंगा तो v1 के दो कंपोनेंट आएगा, एक है स्ट्रिंग के अलोंग जाएगा, जिधर स्ट्रिंग जा रही है उधर ही जाएगा, तो v1 cos थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर आएगा जो कि होगा v1 sin थीटा। तो अब देखो स्ट्रिंग हमारा कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट है और भी मेथड है इसे सॉल्व करने की, कि स्ट्रिंग के एलोंग, स्ट्रिंग अपने ऐसी थी, यहाँ पुली से पास हो गए स्ट्रिंग ऐसे थी, तो स्ट्रिंग के एलोंग पहले से स्पीड v2 था और एक स्ट्रिंग के एलोंग स्पीड आया v1 cos थीटा। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एलोंग एलोंग द स्ट्रिंग, एलोंग द स्ट्रिंग, एलोंग द स्ट्रिंग स्पीड रिमेन सेम, स्पीड हमेशा सेम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपना जो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग v1 cos थीटा शुड बी इक्वल टू v2, मतलब v1 इज इक्वल टू v2 अपॉन cos थीटा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टू।